हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, राधे कृष्णा, जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। मैं सुनील कुमार चौहान स्वागत करता हूँ अपने चैनल सुनील नगांति लाइव ब्लॉग में। वीडियो एंड तक देखिए और चलिए प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो ब्लॉग कुछ ज़्यादा खास होने वाला है। फुल वॉच करके एंड तक देखें हम लोग। पहले वाला ब्लॉग में बहुत प्यार, आशीर्वाद, दुलार व्यूज के रूप में दिए, दिल से धन्यवाद। भगवान जी से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश और स्वस्थ रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो ब्लॉग शुरू करते हैं। सुबह अभी साफ सफाई कर दिया था, इधर देख सकते हैं। शाम को भी साफ सफाई कर दिया, लेकिन ये दरवाजे के सामने थोड़ा अलग दिख रहा है। इसको चलिए जला देते हैं इकट्ठा करके। ये जो है पहले कुदाल से इकट्ठा करके फिर जला देते हैं, नहीं तो ना बहुत मच्छर हो रहे हैं दोस्तों। साफ सफाई ज़्यादा जरूरी है। मिथुन का घर जाना पड़ा, 3 राउंड मारा, थोड़ा देखना जरूरी है। मैं यहाँ पर हूँ, थोड़ी बहुत कोई इधर उधर सामान कर दिया, ऐसे में तो कोई नहीं छूता, लेकिन फिर भी अपना सावधानी सही रहता है। इतने का नहीं, साफ दिखेगा, दरवाजे के जस्ट सामने पड़ रहा है। इसको ना ऐसे करके इकट्ठा कर दूंगा, थोड़ा और सूखेगा तो आग लगा दूंगा, क्योंकि अभी कच्चा कच्चा है। ओस गिरता है ना, क्या होता है कि देखती है तो साफ सफाई करवाने पर हमारा भी तारीफ मिलता है। हमें अच्छा साफ सुथरा जगह पर हमें अच्छा लगता है, तो है ही। तो अभी ना इसमें का राख उठा के इसमें छीट दिया। आ इधर देख सकते, इधर जितने साफ सफाई रहेगा ना, क्योंकि कभी कभी पंखा चलाना पड़ता है। अभी सुबह भोर में ठंड लगता है, पंखा नहीं चलाएंगे ज़्यादा मच्छर काटेंगे, फिर उड़ के सो जाते हैं। इधर देख सकते हैं, जितना साफ सफाई रखेंगे उतने मच्छर कम रहेंगे, नहीं तो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये सब जो दिख रहा है ना, ये बाउंड्री होने के बाद फिर इसको भी एकदम खूब बढ़िया क्लीन करके सोच रहे हैं कि आलू भी बो देंगे, उसके ऊपर भी बाकी जो लगाना है वो लगा देंगे। क्योंकि हमें लग रहा है कि जो भी होगा आलू एक्स्ट्रा, तो उसको ठंडा घर में रख देंगे और फिर जब ज़रूरत पड़ेगा निकाल लेंगे, और नहीं तो बेंक देंगे। अभी देख सकते हैं पानी छोड़ दिया हूँ, इसमें
आलू में। अन्नाकांति जी का भी फोन बिजी है, कहीं बात कर रही होगी। तो चलिए अभी बाकी जो काम है उसको करते हैं, इधर पानी भी चलते रहेगा और ये जो टहनी दिख रहा है इसको लगा देते हैं, उसके बाद चलेंगे उधर खेत में। और ये जो मिट्टी सूख जाएगा ना, बड़े पापा से पूछा था उस टाइम फ़ोन किए थे तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं, आप पटो दो, जम गया है तो। बाकी देखिए स्टैंड कहाँ पर खड़ा कर रहा हूँ, मैं भी कैसा हो गया हूँ पुआल पे। चलिए यहाँ रख देता हूँ कि आप लोग कैमरा में थोड़ा अच्छा दिखे, नहीं तो उधर कुछ दिखेगा नहीं, इसलिए मैं ऐसा कर रहा था। अभी मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, तो चलिए अभी इसमें क्या करना है बराबर करने के लिए। देख सकते ये वाला रस्सी लाया था, इसे जगह जगह बांध देता हूँ। इधर भी जो भी पड़ा था सब उधर फिट कर दिया एकदम, देख सकते हैं उससे सब बकरी कभी घुसे गई नहीं। आ पत्ता जब झड़ जाता है ना फिर कहीं कहीं थोड़ा सा फाँक दिखेगा, तो उसमें और पतला पतला टहनी जोड़ के कर देंगे। अभी ये देखिए ये हो गया क्लियर। अब इसको क्या करना है दोस्तों, मेरे हिसाब से इसको टाट तो खैर नहीं, इसके किनारे रख देंगे, क्योंकि इसके किनारे यहाँ पे यहाँ जगह खाली है, क्योंकि उधर कुछ बो नहीं पाएंगे। इसके किनारे यहाँ पे बनाना है हमें क्यारी सी, जो सब्जी लगाएं चाहे कुछ भी लगाएं तो सेफ्टी हो। मेरे हिसाब से इसको टाट बांधने का व्यवस्था नहीं हो पा रहा, नहीं तो टाट बांध देते ना तो ये एकदम और सुंदर दिखने लगता, इसी पे टिक जाता। और इधर देख सकते हैं अभी पानी बहुत सूख रहा है दोस्तों, एकदम हरा हरा, सभी कहीं भी बाकी नहीं देख सकते, सभी जगह जमा है। हाँ ये छोटा छोटा जम रहा है, इतना दूर में एरिया में है आलू। इधर तो आप देखे ही है सब्जी, बाकी देख सकते इतना छोटा दिन हो रहा है पता ही नहीं चल रहा कब शाम हो जा रहा है। चलिए अभी कुछ ही देर में हो जाएगा। मोटर से छोड़ना है दोस्तों, तो इसमें पूरा फुल पानी नहीं छोड़ूंगा, बस हो गया उतना। अब ये सूखेगा ना तो पूरा गीला गीला हो जाएगा, देख सकते इसमें थोड़ा ही से छोड़ा था तो इतना हो गया। तो चलिए फिलहाल और थोड़ा 10-15 मिनट छोड़ देते हैं पानी, इधर तक पहुंच जाएगा। जब तक चलिए इस टाइम तो कोई नहीं दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना मैं चाह रहा हूँ कि इसको खूब बढ़िया जितना ये घास दिख रहा है, कलना गांधी जी आ जाएंगे तो ये काट देंगे फिर मेरे को डरर सीधा करके, ये जितने हैं खेतों में इसको इकट्ठा करके चला देंगे। चलिए इसको कहीं हलाने का व्यवस्था करते हैं, क्योंकि खेत खाली करना है, नहीं तो उधर बुआ गया अब उस तरह से ट्रैक्टर चढ़ेगा नहीं,
ये वाला हो सकता है कल दौरी हो जाए उसके उधर वाला, तो यहाँ से हमारा उतर आता है ट्रैक्टर, इधर से खेती हो जाए। मैंने इस खेत को बोने से पहले हमें बोना है, इधर से उतरने का रास्ता नहीं है। अभी ना देख सकते हो कैसे टाट जैसे बना दिया। अब इसमें ना ये जो पतला पतला है जगह जगह इधर से करके बांध देंगे, क्योंकि इधर बहुत हरा हरा सब्जी रोपे हैं दोस्तों, कीमती कीमती टमाटर भिंडी बैंगन गोभी, इधर से कोई इसमें जाए नहीं। अब नीलगाय जो आएंगी हो सकता है इसमें ना जाए। अब बाकी इधर देखिए वो जो गड्ढा कभी देखे थे यहाँ पर, हल्का हल्का कभी मिट्टी की ज़रूरत पड़ता था वहीं गड्ढा बनाए थे। अब इतना दूर हमें बनाना है, ये वाला रहेगा वहीं पे। आज जब इधर पूरा खेत गेहूँ रोपा जाएगा तो फिर तो जानवर आएगा ही नहीं, लेकिन फिर भी इसको धीरे धीरे करके और भी टहनी इधर उधर है उसमें से काट के उसी तरीके से बना देंगे, क्योंकि इधर भी लहसुन सबसे महंगा, इस पर भी बहुत सारा सब्जी उगाना है, तो इसीलिए इसको जलाए नहीं। नहीं तो सभी लोग अपने खेतों में जला दे रहे, ये छोटा छोटा पड़ा इसको बीन के जला देंगे, कल सुबह सुबह इसको हटा देंगे, हटा के यहीं पे साइड साइड से हला देंगे तो इधर सही रहेगा। और लाइट इधर लगा ही दिए हैं। तो चलिए अभी मैं सुबह से नहाया नहीं दोस्तों, दौरी के चक्कर में के अब दाम आएगा ट्रैक्टर में लेट हो गया, बड़ी भाभी का दाम आ दिए, उधर भी क्लियर हो गया, इधर साफ सफाई देख करके ओके। इधर थोड़ी देर और पानी छोड़ेंगे, वहाँ तक हो गया, ये दो क्यारी और बचा है और यहाँ पर छोड़ दूँगा। बहुत पानी सूख रहा है दोस्तों, पूरा सूखा सूखा मिट्टी है ना ऊपर में, देख सकते हैं कैसे हम लोग दो तीन दिन पहले कोड़ के सुखाए थे और उसके बाद इस पर बुकनी बुकनी करके रोपे थे कि सब्जी का कोई दिक्कत ना हो। इधर भी अभी पानी मारेंगे, नहा लेंगे, इधर ही बाहर ही नहा लेता हूँ फिर, क्योंकि उधर पानी ना छोड़ रहे हैं तो खेत कटा के ऐसी जैसे पसराया हुआ ऐसी है तो उस खेत में थोड़ा पानी चला जाएगा तो गुस्सा होंगे, उससे अच्छा इधर नहा लेते हैं। आइए करने के बाद कल सुबह सुबह इसमें लगूंगा, जब तक नागांती जी भी आ जाएंगी, और कल ना होगा तो खेत बोवा देंगे। मंगलवार के दिन बहुत बढ़िया दिन है, बस खादर केवल लाना है। तो चलिए अभी चलते हैं, थोड़ा खाना तो है सुबह का, लाइट भी कट गया, चलिए लाइट आता है तो। ये देखिए अपने हाथों से उठा के इधर रख दिए कि किसी का नुकसान ना हो। ये देखिए कि कभी भी बच्चे वच्चे चला देते हैं चाहे नहा लेते हैं बर्तन वर्तन, वहाँ पे थोड़ा पानी आ जाता है, खेत कटा है दूसरे का है इसीलिए। चलिए अभी लाइट कट गया, देखते हैं कब तक आता है लाइट। आज की वीडियो कैसा लगा दोस्तों बताइएगा कमेंट में। देख सकते हैं अभी कैसे उधर अभी दौरी हुआ, जला भी दिए वो लोग। इधर जो ये हुआ है ना इसको भी हम लोग कल आएंगे नागांती जी तो उठा कर रख देंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ जला देंगे तो वो बेकार हो जाएगा और रहेगा तो कोई ना कोई काम आएगा। पुआल तो अगला बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि कभी किसी को ज़रूरत पड़े, गाय भैंस है हमारा भी दोस्तों, आप लोग कमेंट में बता रहे थे कि भैया बहुत आप लोग मेहनत करते हैं, बस आप लोग को थोड़ा बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सपोर्ट में हमें कुछ नहीं चाहिए, आप लोग का आशीर्वाद बना रहे, बस कमेंट द्वारा हौसला बढ़ाए, बाकी तो मेहनत करना हमारा काम है। अभी ना नागांती जी के ममहर में लाइट आ गया दोस्तों, नागांती जी के ममहर में गैया मैया
बछड़ा दी है गाय, तो उसको हम लोग सोच रहे थे ले आने के लिए, तो ये पुआल को ना उसको इकट्ठा करेंगे और बाकी घास वास घर के चारा का, अभी दूध छोड़ेगी तब लेके आएंगे दोस्तों। आ रखने का व्यवस्था तो कहीं ना कहीं इसके बगल में ही बना देंगे, आ बहुत सारा व्यवस्था सोचे हैं, तो उससे नगांती जी को आप तो देखते ही हैं। मैं थोड़ा भी बहुत थोड़ा अब अगर कुछ ना कर पाऊँ, जैसे घास वास घर ना पाऊँ, तो लेकिन नगांती जी के रहते हुए जानवर कभी भूखा रह नहीं सकते, ये मेरे को पूरा विश्वास है। बाकी तो सब व्यवस्था है ही है, क्योंकि कोई भी जानवर रखेंगे तो उसको सब सोच समझ के, कि कभी परेशानी ना हो, कभी किसी के खेतों में किसी का नुकसान ना करे, ना तो किसी को बोली सुनना पड़े, और उसको खास करके रोज़ चारा देने की जिम्मेदारी हमारी होती है, तब उससे जो भी दूध प्राप्त होता है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये सब सोचे हैं दोस्तों, वो सब धीरे धीरे होगा, इतना से इतना आप लोग का आशीर्वाद से हुआ। यहाँ मच्छर बहुत काट रहे हैं दोस्तों, तो चलिए अभी मैं चल रहा हूँ नहाने, नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा क्या क्या खाना तो है ही है, सुबह सुबह बना दिया था उसको रखा हूँ, नगांती जी आती हैं कि नहीं, बाकी आज की काम मेहनत कैसा लगा बताइएगा कमेंट में। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग एकदम बिल्कुल अच्छा लगा होगा, हम इतना से इतना किए हैं, तो आप लोग का आशीर्वाद और भगवान जी की कृपा रहा तो बहुत सारा आगे बढ़ेंगे। बाकी तो मन की शांति बस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो आप लोग का आशीर्वाद अच्छे अच्छे कमेंट से प्राप्त हो सकती है और भगवान जी की कृपा से, हमें बस यही चाहिए। और बाकी भगवान जी से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा ऑल यूट्यूब फैमिली खुश और स्वस्थ रहे अपने अपने जीवन में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बोला इतना ही, एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ तक वीडियो बोला देखने के लिए दिल से धन्यवाद।